एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं करने वाली हूँ क्रंच, सेमी वेट, और जो थिक होंगे उस वाइट का मुझे क्रंच करना है। जैसे कि ये थिक थिक आइटम लेने हैं, पतली लेयर नहीं लेनी, मुझे सॉफ्ट नहीं खाना। ये मैंने खाया था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये बहुत पुराना है, 28,000 वाले चैनल का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं फेंकती नहीं हूँ। ये देखो, ये इसमें से थिक थिक आइटम मैं निकालूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये स्टोव डाला ब्रोकन का, वो मैंने वॉश नहीं किया था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं किया था कि नहीं किया था। खूब सारी सेमी वाइट, पता है कौन सी बार है? एक बार मैंने हार्ड बार खाई थी और बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटे थे वाइट के, ये वो है, उसका बचा हुआ पार्ट है। वो नॉर्मल साइज की थी, मैं बता रही थी ना, वो लॉन्ग बार है, लेकिन वो टूट गई थी आते आते। मैं सोची थी इसमें वेट करूंगी, बट इसी में ही आ जाएगा। और ये भी हार्ड है, आवाज सुनेंगे आप। वाइट, मुझे वाइट बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने लगा है आजकल। थोड़ा सा हो रही वाइट में, कुछ वाइट से मन नहीं भरता। सो डन, मिलते हैं क्रंच वीडियो में। अभी इसको मैं वेट रखूँगी, ये जो है इनको निकाल लूँगी, ये निकालूँगी। देखो इसने लेयर छोड़ दी ना, ये लेयर है, दिखाऊँ? देखो इसने लेयर छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये येलो वाइट है, तो जो लेयर छोड़ देगा उसको मैं निकाल लूँगी, बाकी को डिप रहने दूँगी, क्योंकि वो ना हार्ड है, वो सॉफ्ट है। ये हो चुका सेमी वेट, अंदर से ये ड्राई होगा, बाहर से ये वेट हो गया। अब इसको थोड़ी देर में बाहर छोड़ दूँगी जब तक ये वेट होएंगे। सो डन, मिलते हैं क्रंच वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।